अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज एक और नई जॉब अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कुछ वैकेंसीज़ आई है, प्राइवेट वैकेंसीज़, अलग अलग लोकेशंस पे आपको ये वैकेंसीज़ मिलने वाली है। तो कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए, आप लोगों को इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, खाली इंटरव्यू बेस पर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना और अच्छे से समझना, उसके बाद आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना, कैसे आपको अप्लाई करना इन वैकेंसीज़ के लिए, कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, उसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चले। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर रखना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी जॉब अपडेट्स होंगे जम्मू कश्मीर में, वो आपको यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन ज़रूर करना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें, एक कंपनी है श्रीनगर में, तो उनको कुछ वैकेंसीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें, आई रिप्यूटेड कंपनी रिक्वायर्स, इनको पहले ऑपरेशनल मैनेजर की 2 वैकेंसीज़ चाहिए। ऑपरेशनल मैनेजर, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है मैनेजर पोस्ट के लिए, तो आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ऑपरेशनल मैनेजर की 2 वैकेंसीज़ है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी है ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लगभग 2 साल की, तो आप एलिजिबल हो, और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ऑपरेशनल मैनेजर के लिए 2 वैकेंसीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें, अकाउंटेंट की 2 वैकेंसीज़ इनको चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने बीकॉम रखी है, और एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट वैकेंसीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके पास बीकॉम है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, 2 वैकेंसीज़ इसके लिए भी है। उसके बाद अगर हम बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 वैकेंसीज इनको चाहिए, क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है 10+2 विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है और आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन है, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो, 3 वैकेंसीज इसके लिए भी है। तो आपको कैसे आप अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए, आपको इंटरव्यू रहने वाला है अलॉन्ग विद योर CV। आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपको उस टाइम अपना CV भी साथ लेना है। सैटरडे को आपका इंटरव्यू रहने वाला है, 28 अक्टूबर 2023, फ्रॉम 10 AM से लेकर 4 PM तक आप लोगों का इंटरव्यू रहने वाला है। इनकी ऑफिशियल एड्रेस के बारे में अगर हम बात करें, होटल मेट्रोपॉइल्स बुलवार्ड रोड क्रॉल संगरी श्रीनगर, तो ये इनकी ऑफिशियल एड्रेस है, होटल मेट्रोपॉइल्स बुलवार्ड रोड पे क्रॉल संगरी श्रीनगर में इनका ऑफिशियल एड्रेस है, और इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मज़ीद डिटेल्स भी जान सकते हो। और आपका इंटरव्यू रहने वाला है इन पोस्टर्स के लिए 28 अक्टूबर को, यानी कि सैटरडे को आपका इंटरव्यू रहने वाला है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। आप ज़रूर जाइए, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल है, वो ज़रूर जाइए और वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो दूसरी जॉब अपडेट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की जो दूसरी जॉब अपडेट है, वो इब्न सीना हॉस्पिटल, यानी कि बड़गाम में जो इब्न सीना हॉस्पिटल है नियर रेलवे स्टेशन ओमपुरा बड़गाम में, तो उनकी तरफ से वैकेंसीज़ आई हैं। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ के बारे में, पहले इनको चाहिए अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर फार्मिस्ट की 2 वैकेंसीज़ इनको चाहिए, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है मेडिकल असिस्टेंट और बी फार्मा। इसके बाद कैशियर की 2 वैकेंसीज इनको चाहिए, कैशियर का 2 वैकेंसीज़ इनको चाहिए, जिसके लिए क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन रखी है। उसके बाद स्टोर कीपर की 2 वैकेंसीज़ हैं, क्वालिफिकेशन इसके लिए भी ग्रेजुएशन है। उसके बाद लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज़ है, क्वालिफिकेशन DMLT की। तो ये वैकेंसीज़ इनको चाहिए, फार्मिस्ट की 2 वैकेंसीज़, कैशियर की 2 वैकेंसीज़, स्टोर कीपर की 2 वैकेंसीज़, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज़। तो अगर आप में से किसी के पास इस रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन है, फार्मिस्ट रिलेटेड, कैशियर रिलेटेड, स्टोर कीपर रिलेटेड, लेबॉरेटरी रिलेटेड, तो आप एलिजिबल हो, आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना। जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो ज़रूर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें। तो आपको कैसे आप अप्लाई करना है, आपको इनको अपना जो यहाँ पर इन्होंने मेल आई डी दी है, आप इन मेल आई डी पर इसको इनको अपना रिज्यूम सेंड कीजिए, या आप इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इनके से। तो ये थी आज की 2 लेटेस्ट जॉब अपडेट, आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियोज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें कि आप लोगों को कैसे ये वीडियोज़ लगते हैं, ताकि मैं आपको फर्दर बाकी सारी जो जॉब वैकेंसीज आएंगे, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँ। बाकी मिलते हैं किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।